अस्सलाम वालेकुम। आज हम लेके आए बहुत ही मज़ेदार सी नमकीन की रेसिपी, और यहाँ पर देख सकते हैं बहुत ही क्रिस्पी बनकर तैयार होते हैं, बहुत ही आसान है, तो आप भी इस तरह बना सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कितने क्रिस्पी बने हुए हैं, देखने में देख सकते हैं शेप इसका। तो अब हम इसको बनाना शुरू करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने लिया है 2 कप गेहूं का आटा, और 2 टेबलस्पून भरकर हमने लिया है सूजी। ये नॉर्मल वाली सूजी है जो हम घर में यूज़ करते हैं, तो ये 2 टेबलस्पून भरकर डाल देंगे। यहाँ पर 1 टीस्पून भरकर हमने काला तिल लिया है। यहाँ पर हमने लिया है अजवाइन 1 टीस्पून भरकर, और यहाँ पर सफ़ेद तिल हमने 1 टेबलस्पून भरकर लिया है। काली मिर्ची लिया है हमने 1 टीस्पून भरकर, और 1/2 टीस्पून के करीब कश्मीरी रेड चिल्ली पाउडर लिए है। हल्दी लिए हमने 1/4 टीस्पून, चिल्ली फ्लेक्स लिया है हमने 1 टीस्पून, और यहाँ पर हम डालेंगे चाट मसाला, ये भी 1 टीस्पून डाला है 1 चम्मच, और 1 चम्मच डाला है हमने नमक। अब इसके अंदर डालेंगे हम तेल, तो तेल हमने 5 टेबलस्पून भरकर डाला है, तो 5 से 6 टेबलस्पून आप डाल सकते हैं। इससे बहुत ही क्रिस्पी और करारे से हमारे नमकीन बनकर तैयार होने वाले हैं। तो इसको हम पहले अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अच्छे से हाथ से मसल कर भी मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक ही हाथ का यूज़ किया है, दूसरी उंगली मेरी कट चुकी है इसीलिए, क्योंकि इसमें मसाले हैं ना तो थोड़ा सा हाथ जल जाता है। तो यहाँ पर मैं इस तरह से मिक्स कर रही हूँ, आप दोनों हाथों से हथेली से इसको अच्छे से मसल सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं पूरा अच्छे से हमने मसल लिया है, और यहाँ पर देख सकते हैं इसकी मुट्ठी बन रही है ना। तो अब इसका हम आटा लगा लेंगे, इसको हम गूंदने वाले हैं। तो 1 कप पानी लिया है हमने, तो 1 कप पानी हमारा पूरा लगेगा, उसमें से थोड़ा सा बच सकता है। तो थोड़ा थोड़ा करके हम पानी ऐड करेंगे, और इसका मीडियम सा डो लगा कर रेडी करेंगे, ना ज़्यादा सख्त है ना ज़्यादा सॉफ्ट लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हम इसे अच्छे से गूंदने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। तो यहाँ पर हमारा डो लगा कर रेडी है, तो इसके लिए हमने देख सकते हैं कितना पानी यूज़ किया है, थोड़ा सा पानी बच गया है। अब इसको हम 15 से 20 मिनट के लिए ढककर रख देंगे, ताकि सूजी भी है ना हमारी और आटा अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। तब तक हम यहाँ पर एक घोल तैयार करते हैं, एक मिक्सचर। यहाँ पर हमने 2 टीस्पून के करीब हमने लिया है घी। अब इसके अंदर डालेंगे हम कॉर्नफ्लावर, तो 2 टीस्पून के करीब ही कॉर्नफ्लावर डालेंगे। ये मैंने ज़्यादा बनाया था तो बच गया था, इसीलिए हमने आपको टीस्पून के हिसाब से बताया। तो इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे, क्योंकि असली घी है ना तो फिर वो वेस्ट हो जाता है। तो हम परफेक्ट घोल बनाएंगे, ताकि हमको जितना लगे उतना ही हम यूज़ करें और इसमें से फेंकने में ना जाए। तो ये रेडी है हमारा मिक्सचर, इसको साइड में रखेंगे। अब आटा देख लेते हैं, यहाँ पर हम 20 से 25 मिनट हो चुके हैं, यहाँ पर आटा हमारा अच्छे से सॉफ्ट हो गया है। तो इसके हम बॉल्स बनाकर रेडी करेंगे। तो जितने रोटी के लिए हम बनाते हैं ना पेड़ा, उस हिसाब से हम पेड़े बना लेंगे। तो इसके हमने इतने आटे के हमने 8 पेड़े बनाकर रेडी किए हैं इस तरह से, और इसको हम शेप दे देते हैं। यहाँ पर इस साइज़ के पेड़े हमने बनाकर रेडी किए हैं, तो ये देख सकते हैं आप। तो यहाँ पर हम सारी रोटियाँ बेलने वाले हैं एक एक करके। इसको हमने थोड़ा सा आटा लगा लिया है, और इसको हम बेलते जाएंगे। पतली पतली रोटियाँ बनानी हैं, जो रोटी की साइज़ होती है ना उससे थोड़ी सी पतली बना सकते हैं आप, ठीक है। तो ये हमने एक रोटी बनाकर रेडी कर रहे हैं, और शेप का कोई फिक्र नहीं है, बस पतली होनी चाहिए। तो ये देख सकते हैं यहाँ पर कितनी पतली रोटी है हमारी। तो इसको हम साइड में रखेंगे और सारी इसी तरह बनाकर रेडी कर लेंगे। अब एक रोटी हमने ली है, उसके ऊपर हमने जो ये घोल बनाया है ना घी और कॉर्नफ्लावर का, ये हम लगाते जाएंगे। अच्छे से लगा कर लेना है, तो पूरी तरफ से अच्छे से फैला देंगे इसको। अब इसके ऊपर हम सेकंड रोटी रखेंगे इस तरह से। तो हम 2
पोर्शन में करने वाले हैं, एक में हम चार रोटियां लेंगे, दूसरे में चार, तो सेम यही प्रोसेस रहेगा। अब ये दूसरी रोटी हमने लगा ली है, उसके ऊपर हम ये घी लगा लेते हैं अच्छे से, और इसके ऊपर और एक रोटी रखेंगे फिर से। इस तरह से हम चार चार का सेट बनाने वाले हैं ताकि जल्दी से हमारी ये जो नमकीन है ना वो जल्दी जल्दी बन सके, कम टाइम में जल्दी बन के रेडी हो। ठीक है, तो ये लगा लिया है हमने, इसके ऊपर और एक रख देंगे। इस तरह से हमने चार रख दी है, और अब इसको हम हल्का सा बेल लेंगे ताकि हल्की से अंदर से चिपक जाए, खुले ना, और इसको आराम आराम से हम रोल करने वाले हैं। तो इस तरह से आराम आराम से रोल करते जाएंगे, और लास्ट में है ना ये जो मिक्सचर है ना घी वाला, ये लगा लेंगे ताकि हमारा रोल खुले नहीं। तो ये लगा कर हम इसको रोल करेंगे, अच्छे से फैला भी देंगे, थोड़ी सी साइज़ भी बड़ी हो जाएगी इसकी, लंबी साइज़ हो जाएगी, और रोल थोड़ा सा पतला हो जाएगा और अच्छे से चिपक भी जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं अब इसको हम कट करेंगे, 1 से 1.5 इंच के करीब हम इसे कट करने वाले हैं, जिस तरह हम भाकरवड़ी बनाते हैं ना बिल्कुल उसी तरह से। तो यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह से हम कट कर लेते हैं सारे। तो यहाँ पर ऑलमोस्ट हमारे सारे के सारे कट होने आए हैं। यहाँ पर देख सकते हैं जो लास्ट का बचा है ना उसको आप बाद में यूज़ कर सकते हैं, इसे फेंके नहीं। तो ये सारे गोल हमने बनाकर कट कर लिए हैं, इसको हम प्लेट में रखेंगे, और बाकी जो आटा है ना जो और एक बार बनना बाकी है वो भी इसी तरह से बेल कर सारे रेडी कर लेंगे, फिर एक साथ फ्राई करेंगे। तो यहाँ पर सब के सब हमने कट कर कर बना कर रख दिए, ये देख सकते हैं इसका शेप। तो इसको हम फ्राई करने वाले हैं, तो हमने तेल लिया है, और तेल को हम अच्छे से गरम करेंगे और आंच धीमी करेंगे, और फिर इसको फ्राई करेंगे। स्लो गैस पर इसको फ्राई करना है ताकि अच्छे से क्रिस्पी हो, जो भी गेहूं के आटे के जो भी स्नैक्स रहते हैं ना उसको क्रिस्पी करने के लिए गैस की फ्लेम स्लो करेंगे और इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। और यहाँ पर देख सकते हैं ऑलमोस्ट सारे के सारे मेरे पैन में आ चुके हैं। अगर आपके पैन में इस तरह से सारे रहते हैं तो रखें, या तो फिर 2 शिफ्ट करें और फ्राई करें आराम आराम से। इसको फ्राई होने के लिए 10 से 12 मिनट लगते हैं दोनों तरफ से, क्योंकि अच्छे से क्रिस्पी और करारे होना चाहिए ना, तो एक साइड से हल्का सा कलर आए तो फिर इसको हम चेंज कर लेंगे। और साइड में देख सकते हैं कोई कोई ना हल्का सा खुल गया है, तो ये जो लास्ट के रहते हैं ना तो उसमें से थोड़ा सा खुल जाता है, लेकिन उसको है ना इसी तरह फ्राई करेंगे, वो सबसे ज़्यादा क्रिस्पी होते हैं। तो उसको निकाले नहीं, फेंके नहीं, उसको भी क्रिस्पी होने दें। तो इस तरह से सारे हम पलट लेते हैं और दोनों तरफ से अच्छे से गोल्डन फ्राई करेंगे, फिर इसे निकाल लेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं कितना अच्छा सा कलर आ चुका है, यहाँ पर अच्छे से क्रिस्पी हो चुके हैं ना, गोल्डन कलर आ चुका है। तो इसको हम निकाल लेंगे एक छन्नी में अच्छे से छान कर, तो इसमें तेल भी कम लगता है और अच्छे से फ्राई हो जाते हैं, मैदा नहीं है तो खाने में भी अच्छे हेल्दी है। और ये देख सकते हैं कितने क्रिस्पी है ना। तो ये ज़बरदस्त सा हमारा नमकीन बिल्कुल रेडी है, बहुत ही मज़ेदार, चाय के साथ खा सकते हैं, और 15 दिन तक आप इसको स्टोर भी करके रख सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार सा नाश्ता, आप भी ज़रूर बनाकर ट्राई करें, और रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें।